ईरानी बहुत काफी आइटम है, तो हम एक इंटरव्यू में ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप जिस मार्केट में खड़े हो उसका नाम बाजोल टावर है। इसमें ईरानी खाने पीने की चीज़ें, इसके अलावा जो है ना घर की घरेलू ऐसे सामान है, मिसाल इसके शैम्पू साबुन वगैरह ना, ये चीज़ें कुकिंग ऑयल वगैरह शैम्पू ये चीज़ें मिलती है। जिस तरह की ये शैम्पू है ना, ये ईरानी है। इसमें जो पाकिस्तानी सेम मिलते हैं वो 650 रुपये के मिल रहे, और ये 350 का ईरानी है। रास्ते बंद है कोई, अभी आपको पता है सब माल नहीं आ रहा, इतना कस्टम वाले तंग करते थे, इस वजह से नहीं है। ईरानी के आजकल ऑयल ज़्यादा बिक रहा है, और शैम्पू सर्फ वगैरह इसकी ज़्यादा डिमांड है। चॉकलेट वगैरह ये तो आम बिकता रहता है, हमारे पास खुद ले के आते व्यापारी होते हैं, जो वहाँ से हम खरीदते हैं गाड़ियों के जरिए आते हैं लोड, मतलब जो आम लोडर में आते हैं गाड़ियों में आता है, बॉर्डर से क्वेटा, क्वेटा से हमारे पास पहुँचते हैं, या तीन चार जगह शिफ्ट होता है फिर पहुँचते हैं यहाँ पर। बहुत काफ़ी चीज़ें हैं, और ये बाहर के भी है, और अच्छी चीज़ें, ये इम्पोर्टेड माल है, ज़्यादा बाहर से आते हैं ईरान के रास्ते से। पाकिस्तानी पे तो आपको पता है ज़्यादा महंगी है, उन पे ज़्यादा खर्चा आता है। ये तो ये अभी इनका रेट बढ़ गया, पहले सस्ता था, अभी नहीं उस तरह मिल रहा है, जो पहले जितना इसका रेट था। अभी तो इस पर खर्चे बहुत है, कार्टन पे, फी कार्टन पे 600-700 रुपये आ रहा है खर्चा एक कार्टन पे, पहले 200-120 आता, तो इस वजह से महंगा हो गया। ईरानी हमारा पास इधर ईरानी शापर होता है, ईरानी ये टिशू होता है, वाइप्स होता है, ईरानी साबुन होता है, ईरानी शैम्पू होता है, और लेडीज़ पेड होता है, और दुबई का जो साबुन है, दुबई का जो है ये कुछ आइटम्स है, ईरान ये तुर्की का जो है साबुन हमारे पास मिलता है, तो ईरानी दूध, सूखा दूध इधर मिलता है, प्लास्टिक मिलता है, ईरानी जो है चॉकलेट मिलता है इधर, बहुत काफ़ी आइटम है, तो हम एक इंटरव्यू में ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि पाकिस्तानी ताजर जो है वो ईरान में मौजूद होता है, उसकी तौसत से हम चीज़ें उसे ले लेता है, फिर ऑर्डर दे देता है, वो फिर बरासा ही क्वेटा आ जाता है, फिर क्वेटा से ये लोग डिलीवरी दे देते हैं मुख्तलिफ शहरों में। ये हमारा करेंसी की बनस्बत ईरान का करेंसी बहुत लो है, और ईरान में ये टैक्सीज और ये वगैरह जो है वो ज़्यादा नहीं है। तकरीबन ऐसा शहर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जिसमें ईरानी प्रोडक्ट का काम ना हो, और लोग बड़ा शौक से लेता है।